नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुडे, आज का हमारा टॉपिक है स्लैब के जो दो मेन टाइप्स है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में आज बात। सबसे पहले शुरू करते हैं स्लैब से। स्लैब क्या है? स्लैब एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो भी हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्ट किया जाता है एज अ रूफ, एज अ सीलिंग, एज अ फ्लोर आप बोल सकते हैं उसको। तो मेनली ये कॉलम, बीम और बीम के ऊपर में ये एज अ फ्लोर या फिर एज अ सीलिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये मेनली कॉन्क्रीट का रहता है, RCC जैसे स्लैब हम बात करते हैं। ये जो स्लैब है ये मेनली बीम, कॉलम, वॉल या फिर स्टील बीम से सपोर्ट किया हुआ रहता है। इस स्लैब में दो टाइप से मिली, फर्स्ट है वन वे स्लैब और दूसरा है टू वे स्लैब। इधर आप स्केच में देख सकते हैं, ये वन वे स्लैब है और इसका लोड का डायरेक्शन, लोड डायरेक्शन कैसे होता है, वही टू वे स्लैब है इसका लोड डायरेक्शन कैसे होता है। वन वे स्लैब में मेन क्या है, अगर ये जो साइड और एल, ये दोनों का अगर रेशो LY/LX, इसका और इसका अगर रेशो अगर दो से ज़्यादा है या फिर इक्वल टू या दो से ज़्यादा है तो फिर ये वन वे स्लैब है। और इसका लोड डायरेक्शन है दोनों साइड में आता है, जैसे देखिए ये दोनों साइड में इसका लोड ट्रांसफ़र जो भी है, लोड ट्रांसफ़र दोनों साइड में। और टू वे स्लैब में कैसा है, इसमें आप देख सकते हैं LX, इसमें जैसे LX/LY इक्वल टू और ग्रेटर देन टू, तो टू वे स्लैब में LX/LY is less than 2, मतलब ये दोनों का रेशो जो भी है वो दो से कम होना चाहिए तब वो टू वे स्लैब होता है। और ये टू वे स्लैब में लोड ट्रांसफ़र होता है वो दोनों चारों साइड होता है, मतलब ये दोनों साइड भी होता है और ये दोनों साइड भी होता है। देखिए इधर आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड और ये साइड। अभी हम बात करेंगे वन वे स्लैब की। व्हाट इज़ वन वे स्लैब? वन वे स्लैब एक टाइप का स्लैब है जो सपोर्टेड बाय बीम्स और टू अपोजिट साइड्स, साइड के बीम या फिर वॉल्स उसे सपोर्ट किया हुआ स्लैब है और जिसका लोड है बोथ साइड डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, जैसे हमने अभी स्केच में देखा। और इसका मेन क्या है, इसका जो रेशो है जैसे लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, ये रेशो है इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन टू, ये दोनों का रेशो अगर दो या फिर दो से ज़्यादा है तो फिर हम उसको वन वे स्लैब बोलते हैं। ये वन वे स्लैब का बेंड जो भी है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है और इसका जो डायरेक्शन है वो शॉर्टर स्पैन के, इसमें जैसे हमने अभी स्केच में देखा। तो इसका अभी फॉर्मूला जैसा है L/V इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन टू, देन इट इज वन वे स्लैब। वॉट इज टू वे स्लैब? टू वे स्लैब्स ये मेनली चार साइड से सपोर्ट किया हुआ रहता है चारों साइड में और इसमें लोड ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, जैसे हमने अभी स्केच में देखा कि बोथ साइड में लोड ट्रांसफर होता है। और ये इसका जो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशो है वो रेशो दो से कम रहता है, लेस देन टू रहता है। इसमें आप देख सकते हैं L/V इज लेस देन टू। अभी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में ये चॉइस, जो भी वन वे स्लैब लेना है या फिर टू वे स्लैब लेना है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड रहता है, जैसे इकोनॉमी है, बिल्डेबिलिटी है, लोडिंग कंडीशन है और लेंथ ऑफ स्पैन, ये चारों कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड रहता है। अभी आप देख सकते हैं वन वे स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल। ये वन वे स्लैब में जो मेन स्टील रहता है, मेन स्टील ये अलोंग, ये देखिए इधर आप देख सकते हैं ये मेन स्टील शॉर्टर डायरेक्शन में रहता है, देखिए ये पूरा क्रैंक किया हुआ बार है पूरा यहाँ से वहाँ तक है और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये अलोंग साइड ऐसे रहता है। इधर आप स्केच में भी देख सकते हैं, इधर क्रैंक वाले बार है, इधर क्रैंक वाले बार है, मेन स्टील है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये स्केच से आपको क्लियर पता चलता है कि इसमें जो रेशो है
इसमें अभी आप डायमेंशन देखिए, इधर 5 मीटर है, इधर 2 मीटर है, तो दोनों का रेशो है 2.5 है, जो भी 2 से ज़्यादा है तो ये 1 वे स्लैब है। और इसमें इस हिसाब से क्रैंक बार जो है वो मेनली शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर साइड में प्रोवाइड किया जाता है। ये आप स्केच से भी देख सकते हैं, ये स्केच है, और ये एक्चुअल में रेनफोर्समेंट किया हुआ एक स्लैब है। अभी 2 वे स्लैब का रेनफोर्समेंट, 2 वे स्लैब में जैसे बोला ये दोनों साइड में एक क्रैंक बार आते हैं, ये मेन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, इधर एक एक्चुअल में रेनफोर्समेंट किया हुआ स्लैब आप देख सकते हैं, इधर भी क्रैंक है, ये साइड में क्रैंक है, ये साइड में भी क्रैंक है। इसमें अभी डायमेंशन के हिसाब से देखिए, इधर 4 मीटर, इधर भी, इधर 4 मीटर, ये साइड में भी 4 मीटर है, तो ये दोनों का रेशो 1 है, जो भी 2 से कम है, इसलिए 2 वे स्लैब। और ये डायरेक्शन अभी ड्राइंग से पता चलता है कि दोनों का रेशो 2 से कम है, तो ये 2 वे स्लैब है। और इसमें जो मेन बार्स और क्रैंक बार्स है, ये लॉन्गर स्पैन में भी प्रोवाइड किया है और शॉर्टर स्पैन में भी प्रोवाइड किया हुआ है। अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे उसका कंपैरिजन के लिए, कि 1 वे स्लैब में और 2 वे स्लैब में क्या क्या डिफरेंसेस है। डिस्क्रिप्शन, 1 वे स्लैब मेनली दोनों साइड के बीम से सपोर्ट किया हुआ रहता है, जैसे बोथ डायरेक्शन में बीम है उसके ऊपर, जबकि 2 वे स्लैब चारों साइड के से बीम के ऊपर सपोर्ट किया हुआ रहता है। मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट मेनली प्रोवाइडेड ऑन शॉर्टर स्पैन ड्यू टू बेंडिंग, जबकि 2 वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दोनों साइड में, दोनों स्पैन में प्रोवाइड किया हुआ, मतलब शॉर्टर स्पैन एज वेल एज लॉन्गर स्पैन ड्यू टू बेंडिंग, और दोनों साइड में बेंडिंग आता है, इसलिए दोनों साइड में वो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। लोड, लोड मेनली 1 वे स्लैब में एक डायरेक्शन में आता है, मतलब एक साइड के दोनों साइड होंगे, जबकि 2 वे स्लैब में लोड है वो बोथ डायरेक्शन में, मतलब चारों साइड में लोड आता है। रेनफोर्समेंट, अभी मेन रेनफोर्समेंट जो भी प्रोवाइड किया जाता है 1 वे स्लैब में, वो एक डायरेक्शन का, एक ही वही डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमने अभी ऊपर स्केच में देखा, जबकि मेन रेनफोर्समेंट 2 वे स्लैब में दोनों साइड में, मतलब बोथ स्पैन में, बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। सपोर्ट, 1 वे स्लैब मेनली सपोर्टेड बाय पैरेलल वॉल्स और बीम्स, जो उसका जिसका लेंथ ब्रेथ रेशो इक्वल टू और ग्रेटर दैन 2, जैसे हमने अभी देखा, जबकि 2 वे स्लैब मेनली सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स वॉल्स और बीम्स, और 3 साइड्स ऑफ बीम्स, जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशो जो भी है वो 2 से कम होता है। डिफ्लेक्शन, ये 1 वे स्लैब जब डिफ्लेक्टेड शेप में एक सिलेंडर का टाइप दिखता है, जबकि 2 वे स्लैब एक डिफ्लेक्टेड टाइप में एक डिश की तरह या फिर एक सॉकेट लाइक शेप में जैसा दिखता है। बेंडिंग, 1 वे स्लैब बेंड्स और डिफ्लेक्स जो भी है वो एक डायरेक्शन में होता है, जो भी परपेंडिकुलर टू द सपोर्टिंग एजेस और ट्रांसफरिंग टू द अपोजिट सपोर्टिंग वॉल्स ऑन बीम, मतलब ये 1 वे स्लैब में बेंड और डिफ्लेक्शन जो भी होता है वो परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग एजेस, मतलब जो साइड सपोर्ट करते हैं उसका परपेंडिकुलर साइड में उसका लोड या फिर बेंड या फिर डिफ्लेक्शन होता है, जबकि 2 वे स्लैब में बेंड और डिफ्लेक्शन ये दोनों डायरेक्शन में होता है, जैसे ट्रांसफरिंग लोड टू द वॉल्स ऑफ बीम्स, जैसे हमने स्केच में देखा था। थिकनेस ऑफ 1 वे स्लैब वेरीज फ्रॉम 100 mm टू 150 mm बेस्ड ऑन द डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ कंसिडरेशन एंड स्पैन, मतलब जो भी उसका डिफ्लेक्शन या फिर स्पैन कंसिडरेशन उसके हिसाब से उसका थिकनेस हो 100 mm से 150 mm रहता है, जबकि 2 वे स्लैब में थिकनेस 2 वे स्लैब को जनरली 100 mm टू 200 mm रहता है, डिपेंड अपॉन डिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन।
वन वे स्लैब जो रहता है उसका स्पैन इकोनॉमिकल स्पैन अप टू 3.6 मीटर आया था, मतलब 3.6 मीटर तक का उसका स्पैन का जनरली था, जबकि टू वे स्लैब का इकोनॉमिकल स्पैन पैनल से जनरली 6 मीटर तक कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील। वन वे स्लैब में क्वांटिटी ऑफ स्टील मतलब स्टील रिक्वायरमेंट कम लगता है कंपेयर टू टू वे स्लैब, जबकि टू वे स्लैब में स्टील की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू वन वे स्लैब। अब इसमें मेन बात क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ स्टील वन वे स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट एक ही डायरेक्शन में है, जबकि टू वे स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में, तो इस हिसाब से वन वे स्लैब में स्टील कम लगता है और टू वे स्लैब में स्टील ज़्यादा लगता है। डिज़ाइन स्टील वन वे स्लैब जब डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के हिसाब से स्टील कम यूज किया जाता है, उसके हिसाब से उसका डेप्थ है जो भी स्लैब का वो इंक्रीज हो सकता है, जबकि टू वे स्लैब में डिज़ाइन करते समय ये स्टील ज़्यादा लगता है, तो इस हिसाब से उसका स्लैब का डेप्थ जो भी है वो डिक्रीज होने का चांस रहता है। अभी एग्जांपल वन वे स्लैब का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मेनली छज्जा या फिर वरांडा का स्लैब या फिर छोटे छोटे स्पैन जो रहते हैं उसका स्लैब आप देख सकते हैं, जबकि टू वे स्लैब का अगर एग्जांपल देखना है तो ये फ्लोर कंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी बिल्डिंग का मल्टी स्टोर बिल्डिंग का स्लैब आप देख सकते हो, उसका जनरली टू वे टाइप का स्लैब रहता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।